नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने आयोजित किया जन स्वराज संवाद, जिसमें मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक की सरकारों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आजादी के बाद से अब तक सभी राजनीतिक दलों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है और बिहारियों को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। आज भी बिहार देश का सबसे अशिक्षित, गरीब, पिछड़ा और रोजगार विहीन प्रदेश बना हुआ है। उक्त बातें रामगढ़वा प्रखंड के धनहर देहुली, पखनहिया एवं अहिरौलिया पंचायत में आयोजित बैठकों को संबोधित करते हुए कही गई। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा गठबंधन की लगातार सरकारें चलती रही, किंतु इन सरकारों को न तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया और न ही कोई कल कारखाना स्थापित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मंचा सेन, वरिष्ठ पत्रकार, विद्वान और इस क्षेत्र में शालीनता और गंभीरता की प्रतिमूर्ति मेरे छोटे भाई श्री डीएम कुशवाहा जी, हमारे गार्जियन आदरणीय पांडे साहब, हमारे अनुज सुबोध मिश्रा जी, आदरणीय मुखिया जी, हमारे साथी सुगौली प्रखंड जन सुराज के सभापति नूरलोजा कुरैशी जी और यहाँ मौजूद सभी जन सुराजी साथियों, मित्रों, दोस्तों, बड़ी तफसील से चर्चा हो रही है और आपने बारी बारी से हमारे साथियों को सुना, बुजुर्गों का सुना, इनका आशीर्वचन हम सबको मिला। हृदय से इन सब के प्रति मेरा साधुवाद। और आप सब इतनी भीषण गर्मी में भी अपने गांव से चलकर यहां तक पहुंचे, इसके लिए भी आपके प्रति जन सुराज की ओर से आभार और साधुवाद। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। ये क्यों हम लोग बैठे हैं, ये सवाल आपके मन में आया होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का निर्देशन आया कि जन सुराज अभियान के रूप में गांव गांव जाया जाए, लोगों से मिला जाए और जन सुराज के कॉन्सेप्ट को, जन सुराज की अवधारणा को, उसकी परिकल्पना को आप तक पहुंचाया जाए, आपसे साझा किया जाए और फिर आपके माध्यम से इसका विस्तार मिल सके, इसे विस्तारित किया जा सके। जन सुराज जनता का सुंदर राज, अभी अभी आदरणीय गार्जियन आप सबको बता रहे थे, गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई की शुरुआत करी थी चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती से, उन्होंने सत्याग्रह किया था और सत्याग्रह में जो पहली जीत हुई थी 18 अप्रैल 1917 को, उस जीत ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत की चूले हिला दी, जिस अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक था, जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, जो पूरी दुनिया पर शासन करता था, वो एक अकेला नियत था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बाद हिलने लगा, उसकी चूले हिल गई और जो आंदोलन खड़ा हुआ चंपारण की सरजमीन से, वो आंदोलन फैलते हुए पूरे हिंदुस्तान तक फैला और अंग्रेजों को सात समंदर पार भागना पड़ा। गांधी जी अकेले चले थे, तनहा चले थे और हमारे पूर्वजों को, हमारे पिता बाबा सरीके लोगों को संकलित किया था, संगठित किया था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर सब को उन्होंने लामबंद किया था और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। ये चंपारण की वही ऐतिहासिक धरती है जहां भितियरवा में उन्होंने आश्रम खोलकर अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को वहां तैनात किया था, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, शिक्षित बनाया जा सके और उसे आजादी का मतलब समझाया जा सके। जब प्रशांत किशोर जी महान राजनीतिक रणनीतिकार हैं, कुशल चुनावी प्रबंधक हैं और इसके पहले वो अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, वो इंग्लैंड में अपनी सेवाएं दी उन्होंने, अमेरिका में अपनी सेवाएं दी और फिर अफ्रीका में भी जाकर समाज का काम किया, उस बैनर के तले
और वहां से जब भारत लौटे तो उनके मिजाज में ये राजनीतिक रणनीतिकार बनने का स्वप्न आया और उन्होंने राजनीति में रणनीति के निर्माता बने। पहली बार, तीसरी बार जब वो गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री बने थे, उसको मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर जी ने अपनी भूमिका बनाई थी, उनके कंधे पर हाथ रखा था, तब वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने की बात आई, जब नरेंद्र भाई मोदी जी को लीडर बनाया गया तो प्रशांत किशोर जी ने ये बीड़ा उठाया और हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा आपने सुना था, ये नारा प्रशांत किशोर जी की देन है और नरेंद्र भाई मोदी की हुकूमत दिल्ली में काबिज हुई। ये उनकी काबिलियत है कि जब 2015 में महागठबंधन बनाया, नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के का ताल मिल कराकर उन्होंने एक फिर से नीतीश कुमार की रहनुमाई में बिहार में एक सरकार बनवाई। लेकिन इन सरकारों के बनाने और इनके बदलने से हमारी और आपकी तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। जब प्रशांत किशोर जी ने यह महसूस किया कि हमने भारत के दर्जनों राज्यों में केजरीवाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, तमिलनाडु में सरकार, कई सरकारें उन्होंने बनाई और जब देखा, उन्होंने महसूस किया सरकारें तो बदली जा रही हैं, सरकारें बनाई बिगाड़ी जा रही हैं, लेकिन जनता वहीं की वहीं है, जनता की तकदीर और तस्वीर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी भूखमरी, उसकी फटेहाली बदस्तूर जारी है। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मैं चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करूंगा, चुनावी प्रबंधक का काम नहीं करूंगा और किसी को नेता बनाने का काम नहीं करूंगा, ये अब काम बिहार को बदलने, बिहार की तस्वीर को परिवर्तित करने का काम मैं करूंगा और बिहारियों को संगठित करके, बिहार के लोगों को जगा करके इसमें से नेता बनाऊंगा, इसी में से मुख्यमंत्री पैदा करूंगा। तो चाणक्य की तरह धनानंद को पराजित कर, ध्वस्त कर, एक नए चंद्रगुप्त की तलाश करने चंपारण की धरती से निकला और आज बिहार में घूम रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर भितियरवा आश्रम से उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत करी और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का जो संकल्प उन्होंने लिया, वहां से चंपारण की धरती पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को घूमते हुए गोपालगंज सिवान छपरा और गणतंत्र की धरती वैशाली से गुजरते हुए वो आज समस्तीपुर में पहुंच चुके हैं। अभी तक उन्होंने 2100 किलोमीटर की पदयात्रा, 2200 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली है। ये अच्छा संयोग था, 1150 किलोमीटर उसमें मेरा भी योगदान रहा, मैं उनके साथ इन तमाम जिलों में घूमता रहा हूँ, मैं सिवान से लौट के यहाँ भेजा गया हूँ। अब जन सुराज, जनता का सुंदर राज, ये कब बनेगा? ये तब बनेगा जब हम आप अपने अधिकार के लिए तैयार होंगे, अपने आप के लिए तैयार होंगे, अपने बच्चों के तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए तैयार होंगे, उसके मुस्तकबिल के लिए तैयार होंगे, तब जाकर के बिहार बदलेगा। हमने बिहार में कई सरकारें देखी हैं, आप सबके सहयोग से, कभी लालू यादव जी की सरकार चली, कभी नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से सरकार चला रहे हैं हमारे बिहार में, कभी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से तो कभी राजद के गठबंधन से, इसके पहले भी कांग्रेस की हुकूमतें थी। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की आजादी 1947 को मिली थी, उस हिंदुस्तान का एक इकाई बिहार भी है, वह भी 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस हिंदुस्तान का एक अंग बिहार भी था, यह भी आजाद हुआ। लेकिन पंजाब कहां से कहां चला गया, गुजरात कहां से कहां चला गया, कलकत्ता और महाराष्ट्र की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है, दिल्ली आपके देश की राजधानी है, चारों तरफ बड़े पैमाने पर कल कारखाने स्थापित किए गए, उद्योगों का विस्तार हुआ। लेकिन आखिर क्यों, क्या वजह रही, बिहार के लोगों ने क्या कसूर किया था? बिहार में उद्योगों की कोई स्थिति नहीं है, कहीं उद्योग नहीं बनाए गए, कहीं विकास का काम नहीं किया गया, सड़क बना देना, नाला बना देना, ये विकास के फॉर्मूले में नहीं आता। विकास तो तब माना जाता जब रामगढ़वा में कोई फैक्ट्री खुली होती। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।